डिस्कस करते हैं कि वीवी का यूज आखिर होता कहाँ पर है, क्या है वीवी। थोड़ा सा मैं बेसिक प्रीवियस क्लास पीछे ले जा रहा हूँ, एक दो क्लास थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट को समझा देता हूँ। वीवीए जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ये आपका VV6 नहीं है, VV6 जो होता है VV.NET 6 जो होता है वो नहीं है। VVA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन मतलब कि एक्सेल के अंदर या MS ऑफिस के अंदर नए टूल्स, नए कमांड, नए फंक्शंस को डेवलप करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। VV6 जो कि एक स्टूडियो है जिसके जरिए हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, पर प्रोग्रामिंग दोनों की मिलती जुलती है। दूसरी चीज, वीवी की मदद से हम बनाते हैं मैक्रोज फंक्शन एंड हम बनाते हैं यूजर फॉर्म मतलब कि इंटरफेस। ये वीवी के तीन पार्ट है, तीन प्रोडक्ट कर लीजिए। मैक्रोज जो भी आप सीख रहे थे, मतलब कि किसी काम को अगर आप करना है, किसी भी काम को अगर करना है उसके स्टेप बाय स्टेप उसकी कोड में लिख दीजिए, रन करते ही अगली बार वो खुद ब खुद काम को कर देगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक फाइल को ओपन करनी है, C1 का डेटा, C1 पे जाना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और दूसरे एक नई शीट पे पेस्ट कर देना है। ये काम आपको हमेशा करना होता है। जैसे कि अगर बात करें कि हमारे पास एक फाइल है, मैं फाइल दिखाता हूँ आपको, एक सिंपल ये जैसे डॉक्यूमेंट डेटा वाली फाइल है, इसके हमारा डेटा वाले शीट पे जाना है, इसके डेटा को कॉपी करना है और इसके एक नई फाइल में डाल देना है। तो इस काम को करने के लिए हमेशा मुझे मैनुअली वर्क करना होता है, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल साइज की कोड कर देंगे। कैसे कोड करेंगे सर? देखिए, रिकॉर्डिंग परमिशन दे देंगे, ये तो दिया था मैंने। यहाँ पे इसके लिए सिंपल सा हम कोड लिखेंगे। आप लोग ये देख लीजिए कि सब्जेक्ट, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फाइल ओपन करना है, तो हम लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन और यहाँ पे पाथ मांग रहा है क्योंकि फाइल ओपन करना, तो कौन सी फाइल ओपन करना है पाथ तो देना पड़ेगा ना। तो चलिए इस पाथ को लेते हैं पहले हम। तो पाथ जानने के लिए आप उसके फोल्डर में जाके पाथ ले लें या फिर राइट क्लिक करके उसमें आपने रिसेंट ओपन किया है उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिप पाथ कॉपी पाथ को क्लिप बोर्ड कर लीजिए, तो कॉपी हो जाएगा इसका पाथ। पाथ अपने हिसाब से कहीं से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और इस पाथ को पेस्ट कर देता हूँ। अब बात जाहिर सी बात है, जो फाइल ओपन हुई है वही एक्टिवेट है, इसके हम डेटा शीट्स में जाएंगे क्योंकि इस फाइल के डेटा शीट से डेटा कॉपी करना है। तो शीट्स पे जाने के लिए हमारा डेटा है, अब ये अगला टॉपिक हमारा शीट्स का ही है, डेटा डॉट सेलेक्ट। अब सेलेक्ट का मतलब हुआ कि मुझे उस पर जाना है, क्योंकि जब फाइल ओपन करेंगे, जैसे मैंने अगर यहाँ पे फाइल ओपन किया, डेटा फाइल ओपन किया, तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जरूरी नहीं है डेटा शीट एक्टिवेट, हो सकता है कि C1 एक्टिवेट हो, तो हमें डेटा शीट की कॉपी करने के लिए डेटा पे तो जाना पड़ेगा। तो डेटा पे जाने के लिए हमने कोड लिखा यहाँ पे सीट डेटा डॉट सिलेक्ट। अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मतलब कि कंट्रोल ए करना है। तो कंट्रोल ए करने का कोड होता है रेंज, क्योंकि हमें रेंज को कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें रेंज को कॉल करना पड़ेगा और डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, फिर सिलेक्शन डॉट कॉपी। उसके बाद हमें एक वर्कबुक नया लेना है, वर्क बुक्स डॉट एड और फिर उसमें हमें उसके एक सीट पे जाके पेस्ट कर देना है रेंज A1 डॉट सेलेक्ट और यहाँ पे एक्टिव सीट डॉट पेस्ट का स्पेलिंग गलती है, आई नहीं होगा, पेस्ट
और फाइल को सेव करना है तो एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, और सेव कहां करना है तो इसी लोकेशन में करना है डेटा वन के नाम से। और फिर यहां पे मैं एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज कर देता हूं। हमने फाइल को ओपन की थी डेटा वाली फाइल, इसको भी क्लोज कर देता हूं। तो वर्क बुक्स और यहां पे इसको हमने सेव पेस्ट कर डेटा डॉट एक्सएलएस एक्सएलएसएम क्लोज एंड इसको सेव नहीं करना है, ठीक कोड हो गया। तो अब जब भी मैं रन करूंगा तो मेरा इस डेटा को ओपन करेगा, इस डेटा में से कॉपी करेगा, एक नई शीट पे जाके पेस्ट कर देगा। तो ये हो गया मैक्रो। क्या हो गया मैक्रो कैसे वर्क करता है, पर मैं वर्क करके दिखा देता हूँ, फिर मैं कोड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं इस फाइल को पहले क्लोज करता हूँ, मैं माइक्रोज में जाता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे डिबग एरर आया, ओके हाँ एक्सएलएस एक्स करना था, सेम करने के लिए कोई और कोड लिखना पड़ता है, हो गया। अब आप जाके देखेंगे उस लोकेशन में हमारे पास डेटा वन नाम की फाइल रहेगी इसी लोकेशन पे, इस डॉक्यूमेंट में आपका डेटा वन आपके सामने आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम वीवी का यूज करते हैं रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए, कि कोई काम को बार बार जो करना है उस काम को हम ऑटोमेट कर देते हैं। तो पहले इस कोड को एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में होगा क्या कि कोड कर क्या रहा है। तो इसमें कुछ कोड है जो कि हमने पढ़े हैं, कुछ कोड पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सी आप हमने बोला, हमने फाइल को ओपन किया, फिर उसके सीट वन पे गए, डेटा शीट पे गए, ए वन से कंट्रोल ए करके कॉपी किया, सर सेलेक्ट किया, फिर इसके कॉपी किया। सिंपल देखिए सिद्धार्थ जी, हमने एक फाइल को ओपन किया, हमने यहाँ पे सीट को सिलेक्ट किया, डेटा शीट पे गए, फिर हम रेंज पे गए, कंट्रोल ए किया और कॉपी कर लिया, फिर हमने एक नई फाइल को ऐड की और उसकी पहले जो एक्टिव शीट थी उसके ए वन पे गया और हमने डेटा को पेस्ट कर दिया, फिर फाइल को हमने सेव किया, सेव एज किया नेम से, फिर उसको क्लोज कर दिया, फिर हमने जो डेटा फाइल जो हमने यहाँ ओपन की थी उसको भी क्लोज कर दिया, क्योंकि ये फाइल तो ओपन ही है, हमने क्लोज तो की नहीं, यहाँ उस फाइल को भी क्लोज कर दिया। तो बैकएंड में काम हो गया और हमें पता भी नहीं चला क्या काम हुआ और नया रिजल्ट आ गया। किसी को डाउट इस कोड में? सुजीत सर हेलो, हाँ हेलो बोलिए। मैं कर जहाँ पे आपके करंट रीजन डॉट सेलेक्ट किया ना, हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, इसको ये वाला सिलेक्शन डॉट को हटा के यहाँ पे डॉट डॉट कॉपी। तो इसको देखिए कोड कोड को शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी पूरा कोड सिखाना होगा ताकि हम हर एक चीज जान जाए ना सर। ठीक सर, ठीक। सिद्धार्थ जी कोई डाउट इसमें? तो जो हम जब माइक्रो बनाएंगे तो इस तरह से माइक्रो बनेगा। लास्ट क्लासेस में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो कोड के लास्ट लास्ट क्लासेस में हमने कोड एक्सप्लेन किया था, तो उस कोड को रन करेंगे तो रन नहीं होगा, क्योंकि वो कोड किसी जैसे कि आप एक वर्ड मीनिंग आपने याद किया तो किसी सेंटेंस के साथ यूज का यूज होगा ना। सेम उसी तरह से जो आप कोड कंसेप्ट को समझते हो वो एक एक एक, एक माइक्रोज में यूज होगा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में वर्कबुक ओपन करना सिखा था, हमने यहाँ पे ओपन करना डाल दिया, हमने वर्कबुक ऐड करना सिखा था ऐड करना डाल दिया, क्लोज करना सिखा था तो क्लोज का कोड यहाँ डाल दिया और सिक्वेंसली हुआ यहाँ। तो वीवीए की मदद से हम माइक्रोज बनाएंगे जो कि ऑटोमेशन काम करेगा, फंक्शन के जरिए फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे वीलुकअप एचलुकअप ऐसे फॉर्मूला बनाएंगे, और यूजर फॉर्म के जरिए हम बनाएंगे इंटरफेस। जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि ये करते हैं फॉर्मेट चेली करते हैं तो इस तरह के पॉपअप आता है आपके सामने,
इस तरह के पॉपअप या डायलॉग ऑप्शंस बनाने के लिए जहां पे बहुत सारे बटन वगैरह हो अपने हिसाब से वर्क करे, उसका यूज हम करते हैं यूजर फॉर्म में। तो मेन तीन चीजें होती है, राइट। अब बात करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कहाँ करेंगे, कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। जैसे एल्गोरिदम बोलते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि पहले, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई मुझे एक फाइल ओपन करनी है, उसके डेटा शीट पे जाना है, डेटा को कॉपी करना है, एक नई शीट ऐड करनी है, उसके पे पेस्ट कर देना है और दोनों फाइल को क्लोज कर देना है। तो एक एल्गोरिदम हुआ। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो किसी एक नोट पैड में उसको नोट कर ले, फिर प्रोग्रामिंग करें। अब प्रोग्रामिंग करेंगे कहाँ, तो डेवलपर टाइप के अंदर यहाँ पे आता है विजुअल बेसिक, जिसको हम VBE विजुअल बेसिक एडिटर कहते हैं, और यहाँ इंसर्ट मॉड्यूल्स में करना है। हम यहाँ इस पे सीट वन पे, सीट टू पे, या फिर हम सीट को जब राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ व्यू कोड दिखता है, इस पे जाके कोड नहीं करेंगे। ना करने के पीछे यह है कि इसका कोड जो सेव होगा इस सीट के प्रॉपर्टी में सेव होगा, डिलीट होगा तो सीट भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे इवेंट माइक्रो यूज किए जाते हैं। जैसे फाइल ओपन होने पे, सिलेक्शन चेंज होने पे, कुछ रन हो जाए तो उस केस में हम इवेंट माइक्रो यूज करते हैं, जो कि हम आपको आगे क्लासेस में बताएंगे। फिलहाल ये आप उसको छोड़ दीजिए। मॉड्यूल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे माइक्रो डिक्लेरेशन करना है सब, और यहाँ पे अपना आरआर दे दीजिए और माइक्रो या भी जो भी नाम देना चाहते हैं। जैसे हमने टेस्ट दे दिया, टेस्ट कर दिया, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कीजिए, एंटर मारिए, कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम करेंगे इनके बीच में करेंगे। और प्रोग्राम कहाँ होगा, तो प्रोग्राम होगा आपके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो प्रोग्राम करेंगे क्या, तो प्रोग्राम के लिए मेनली चार मेन ऑब्जेक्ट होता है। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है वर्कबुक, तीसरा होता है हमारा शीट्स, और चौथा होता है हमारा रेंज। अब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा क्या यूज करें। जैसे कि आपने यहां देखा कि हमें एक फाइल ओपन करनी है तो फाइल से रिलेटेड है, इसलिए हमने वर्कबुक यूज किया। हमें सीट पे जाना है, सीट पे जाना है तो हम सीट का रिलेटेड लिए। हमें एक रेंज का डेटा कॉपी करना है या डेटा सिलेक्ट करना है और रेंज रिलेटेड है तो रेंज पे हमने यूज किया। फिर हमें नया वर्कबुक चाहिए, रेंज चाहिए, सीट चाहिए, इसलिए इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि कुछ के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक। तो हम कहीं पे यूज करेंगे वर्कबुक्स, कहीं पे यूज करेंगे हम वर्क बुक, और इसके अंदर हम नेम देंगे, और कहीं भी यूज करेंगे एक्टिव वर्क। अभी तीनों का सिचुएशन समझिए। वर्क बुक, जब आप नई फाइल या नई फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन करना चाहते हो, यहां ध्यान रखिएगा, कोई नई फाइल ओपन करना चाहते हैं या कोई नई फाइल, कोई पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना चाहते हैं जो कि ओपन नहीं है, तो वहां पे हम वर्कबुक्स का इस्तेमाल करेंगे। वर्कबुक्स, और इसके अंदर हम फाइल का नेम कब देंगे, जब हमें कोई पर्टिकुलर फाइल पता हो। जैसे कि मुझे डेटा वाली फाइल जो ओपन थी, डेटा डॉट एक्सएलएस एम, उसको क्लोज करना था, ओपन करना था, तो उस केस में हमने यहां पे वर्कबुक फाइल नेम दिया। लेकिन मुझे एक्टिव वर्कबुक क्लोज करना है, मुझे पता है कि मेरा फाइल एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या हुआ, जब यहां देखेंगे ए एक्टिव हुआ, आपके सामने दिख रहा है एक कौन सा बुक 4, ये हमारा एक्टिव वर्कबुक। एक साथ हम कई सारे फाइल ओपन करते हैं ना, जैसे हमने मान लीजिए हमने चार फाइलें ओपन कर दी यहाँ पे, देखिए चार फाइलें ओपन है, तो अभी हमारा कौन सा फाइल एक्टिवेट है, ये हमारा बुक 6 एक्टिवेट है। क्योंकि जब तक हम एक्टिवेट, मान लीजिए कि एक्टिवेट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं बुक 6 पे है, मुझे बुक 4 पे जाना है, तो हम बुक 4 पे जाके जो क्लिक करेंगे ये एक्टिवेट कहलाएगा। अगर आपको एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट का कोड मैंने बताया था आपको, वर्कबुक बुक्स डॉट एक्टिवेट, वो डालेंगे तो एक्टिवेट मतलब कि उस फाइल को
पे क्लिक करना, उसको एक्टिव करना काम के लिए। अगर वो एक्टिव है वो एक्टिव वर्कबुक कहलाएगा। तो यहाँ पे उसी तरह से आपका रेंज में भी तीन पार्ट दिखा, रेंज और सिलेक्शन। तो रेंज के भी पार्ट है, शीट्स के भी पार्ट है। शीट भी आपका आता है शीट्स, यहाँ पे शीट्स के अंदर नेम, और यहाँ पे एक्टिव शीट, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। उसी तरह से रेंज भी है आपका, रेंज इसमें A1 B1 C1 आप देंगे, या फिर आपका सिलाएगा आपका यहाँ पे दिखाएगा सेल्स, जिसमें आप नंबर में देंगे 1 column 1 row। उसके बाद आपका तीसरा जो आएगा वो आएगा एक्टिव सेल, एक्टिव सेल, और एक आता है सिलेक्शन। तो रेंज के भी चार पार्ट होते हैं। तो इन चारों में से कोई एक हम यूज करेंगे एज पर माय सिचुएशन। जैसे सीट की बात करें, हम नया सीट ऐड करना चाहते हैं, सीट ऐड लेंगे। कोई पर्टिकुलर सीट पे जाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे डेटा सीट पे गए थे, तो हम यहाँ पे इस कोड का यूज करेंगे एक्टिव शीट। मुझे पता है जो एक्टिव शीट मतलब कि जैसे हम फाइल ओपन करते हैं तभी हमारा सीट 1 एक्टिव है, इसको एक्टिव शीट कहलाता है। तो हमारा एक्टिव शीट होगा। उसी तरह से रेंज, पर्टिकुलर रेंज ये आपका R1 C1 रेफरेंस स्टाइल है। A1 A:1 मतलब कि A, 2 मतलब B। इस तरह से आपका नंबर और कॉलम को अल्फाबेटिक की जगह पे नंबर यूज किया जाता है। एक्टिव सेल जहां पे आपका कर्सर है, जैसे यहां कर्सर कहां है E6 पे। और आपका सिलेक्शन मतलब एक एरिया सिलेक्ट है, इस सिलेक्शन कहलाएगा। तो अब जैसे कि एक कोड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो कोई एक कोड नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यूज जो होगा वो यूज होगा एक मैक्रो में, जैसे कि आपके सामने जो मैक्रो दिया हुआ, इस मैक्रो में यूज होगा। तो सिद्धार्थ जी समझ में आया आपको? सर हेलो, सर एक डाउट है, मतलब डाउट नहीं है कि यहाँ पे कोई तरीका है ये पता कि कब वर्क बुक्स लिखना है और कब वर्क बुक लिखना है? नहीं, वर्क बुक्स ही लिखाएगा, वर्क बुक नहीं लिखाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एक्ट बुक और ऊपर वर्क बुक्स डॉट एड, हमारा एक्टिव वर्क बुक तो फिक्स है, हमारा कहीं भी ओके वर्क बुक लिखाएगा। वर्क बुक्स मार्केट में कुछ कम न देंगे, जब हम फाइल को नई फाइल क्रिएट करेंगे या फिर पुरानी फाइल को ओपन करेंगे। ओके समझे? नई फाइल हम क्रिएट करेंगे या पुरानी फाइल ओपन करेंगे तो हम वर्क बुक्स लेंगे, इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं देंगे। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर फाइल की बात होगी तो हम यहाँ पे वर्क बुक्स उसके अंदर में उस पर्टिकुलर फाइल का नाम देंगे, बट वो फाइल ओपन होना चाहिए। अगर ओपन नहीं है तो पहले उस फाइल को ओपन कीजिए इस कोड से या मैनुअल। ओके हेलो सर, कि कोई अगर ब्लैंक फाइल रहेगा उस टाइम में वर्क बुक्स होगा, अगर कोई अगर फाइल में डाटा है तो उसमें वर्क बुक्स प्लस नेम होगा। नहीं नहीं आप नहीं समझे, सुनिए, वर्क बुक का यूज करेंगे जब हमें फाइल को ओपन करना है या फाइल नया ऐड करना है। अगर वर्क ओपन फाइल के ऊपर कुछ करना है, फाइल को क्लोज करना या एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना, वहां पे इस मेथड का यूज करेंगे, या सेव एज करना या सेव करना, पासवर्ड डालना, तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे, या फिर एक्टिव वर्क बुक का यूज करेंगे। एक्टिव वर्क यूज का यूज तब करेंगे जब मुझे पता है कि मेरी फाइल एक्टिवेट है, मतलब कि अभी जो बताया ना एक्टिव क्या होता है, एक्टिवेट है मतलब सामने स्क्रीन पे है, वो मिनिमाइज नहीं है, यहाँ से मिनिमाइज ऐसे नहीं है, ये मिनिमाइज होता है ना, ये मिनिमाइज है आपका, तो यहाँ से मैक्सिमाइज करते हैं ना आप यहाँ से, तो ये आपका एक्टिव वर्कबुक कहलाया। तो मुझे एक्टिव वर्कबुक पे कुछ करना है तो हमें वर्कबुक का नाम देने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट एक्टिव वर्कबुक का कोड दे देंगे, चाहे उसको क्लोज करना हो, चाहे उसको मतलब ये प्रोटेक्ट करना हो, या उसको सेव एज करना हो, सेव करना हो, एक्टिव वर्कबुक देंगे। लेकिन मुझे पता है कि मेरा फाइल एक्टिवेट नहीं है, वो 4-5 फाइलों में कहीं भी हो सकता है, एक्टिवेट नहीं है, मैं पता नहीं, मुझे इसका नाम पता है कि हाँ डेटा डॉट एक्सेल में है या बुक 8 है, बुक 7 है, तो उस पर अगर मुझे उसको सेव करना है, मुझे उसको क्लोज करना है, उसको कुछ भी करना है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे। अब समझ में आया कि नहीं?
जैसे कि आप यहाँ देखिए ना, हमने वर्कबुक्स ओपन किया, क्यों? क्योंकि हमें एक फाइल इस लोकेशन से ओपन करना है, राइट। बट यहाँ पे हमने कर दिया एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज। एक्टिव वर्कबुक कौन है? ये एक्टिव वर्कबुक है जो कि ओपन हुआ है, ओपन होता है वो एक्टिवेट होता है। तो अब मुझे यहाँ पे फाइल नेम देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि एक्टिवेट है, और उसको हमने सेव एज कर दिया। अब सेव एज कर दिया तो अभी एक्टिवेट कौन होगा? डेटा वन होगा ना। जब किसी फाइल को सेव एज आप कर देते हैं तो एक्टिवेट आपका वो पर्टिकुलर फाइल होता है ना। तो यहां भी हमने फाइल का नेम दिया जो फाइल हमने ओपन किया था, समझे? तो फाइल में फाइल का नेम कब देना है? जब आपको उसका नाम बताओ। सिंपल सी तीन चीजें समझिए, जब आपको नई फाइल या पुरानी फाइल ओपन करनी हो तो वर्कबुक्स डॉट ओपन या वर्कबुक्स डॉट ऐड कर देना है, राइट। जब आपको पुरानी पुराने फाइलों का नाम पता है तो उसमें आप नीचे वाला मेथड जो है उसका यूज करेंगे, लेकिन आपका नाम नहीं पता है, फाइल ओपन है और एक्टिवेट है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करना है। क्लियर है क्या तीन स्टेप? हेलो हेलो सर। हेलो, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलिए सिद्धार्थ जी। कंट्रोल ए हम लोग करते हैं ना, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल डेटा, तो करंट है ये, यहाँ ये एक्सेल पार्ट नहीं, देखिए एक्सेल का पार्ट है। जब आप कंट्रोल ए करते हैं तो कंट्रोल ए जो है इस ऑप्शन को ट्रिगर करता है, यहाँ फाइनेंस सेलेक्ट गो टू स्पेशल, इसको ट्रिगर करता है। हाँ, जब हम अपने कीबोर्ड कंट्रोल ए करते हैं ना तो इसको ठीक है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल करंट रीजन। ओके, और इसमें अपनी सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट का क्या मतलब है? डॉट सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे डॉट सेलेक्ट है। हेलो, हाँ जी, डॉट सेलेक्ट। हाँ, तो ये तो लोकेशन हो गया ना, हमें सिलेक्शन सेलेक्ट करना है ना, करंट रीजन का वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, हाइड करना है, अनहाइड करना है, क्या करना है, तो हमें सिलेक्ट करना है। हम कॉपी करने से पहले करना पड़ेगा ना। सर एक क्वेश्चन और है सर, जब हम ऊपर एचयूबी लिखते हैं, एचयूबी की कंपोनेंट ही रहता है, एचयूबी ही लिखना पड़ता है हमें कहां पे? हेलो सर, जो ऊपर सबसे टॉप लाइन में सब एचयूबी एचयूबी लिखा हुआ है, बी एचयूबी सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना आपने, हाँ, तो ये सिंटैक्स यही रहता है, एचयूबी लेते हैं और कोई नाम ही दे सकते हैं? कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम में तो बताया था आपने, हिसाब से कुछ भी नाम दे दीजिए। नहीं सर, एचयूबी एचयूबी की जगह सब, हाँ सब्जेक्ट ये फिक्स है, सब्जेक्ट का सब। ओके, और सर हम न्यूमेरिक दे सकते हैं, सब एचयूबी 11 कर सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें इस लाइन में कोई चेंज नहीं हुआ, ये जो नाम है इसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टेस्ट या अपना नाम दे दीजिए, सिद्धार्थ कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। 11 कुछ नहीं, 11 नहीं, न्यूमेरिक सिर्फ नहीं दे सकते हैं, तीन डिजिट में अल्फा न्यूमेरिक नहीं दे सकते, ये गलत, ये नाम गलत है। ओके, तो चार चार डिजिट कीजिए फिर न्यूमेरिक डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सर आपने ये ऊपर फाइल XLSM यूज करी है, इसका और ये XLSM एक्सटेंशन है ना फाइल का सर? सर वो आपने कैसे कॉपी किया है एक बार दिखा देंगे, वो पाथ कैसे कॉपी करते हैं? क्या पाथ, पाथ को कैसे कॉपी किया हुआ है आपने? सर वो बस राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए। एक्सटेंशन के रिगार्डिंग सर जानना था कि वो किस टाइप के किस बेसिस के लिए यूजफुल रहते हैं? क्या एक्सटेंशन? हाँ, ये XLMS। तो सर ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने जो फाइल सेव किया है तो आप सेव करते समय क्या एक्सटेंशन डाला है उस पे डिपेंड करता है, वो किसके लिए कौन सा यूजफुल रहता है, प्रीवियस कोई मतलब इसका नहीं है। यहाँ पे जो आपने एक्सटेंशन डाला है उसको कॉल करना है ना। हाँ, लेकिन जिस फाइल में माइक्रो आप लिख रहे हैं उस फाइल को आपको इसी में सेव करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। फाइल में जिस फाइल में आपने माइक्रो टाइप किया है, जिसका मॉड्यूल जिसमें मॉड्यूल ऐड करके माइक्रो लिखा है, उसको हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करना होगा, जिसका एक्सटेंशन होता है .xlsm। अगर आपका फाइल एक्सेल वर्कबुक में है वो xls फाइल होता है, जब हम माइक्रो लिखते हैं तो उस फाइल का कोड होता है xlsm, और नॉर्मल डेटा का कोड होता है XLSX। लेकिन जरूरी नहीं है, हम नॉर्मल डेटा भी इसमें रख सकते हैं।
तो आपको एक करने से पहले, मतलब कि फाइल को ओपन करने से पहले, आप उसका एक पाथ देख लीजिएगा कि इसका एक्सटेंशन क्या है। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको इसका एक्सटेंशन दिख जाएगा। अब मैं कहीं डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं तो एक्सट्रैक्ट एक्सेलस एक्स में ही करूंगा ना, क्योंकि इसमें तो माइक्रो वगैरह है नहीं, तो मैं खामा का एक्सेलस बी क्यों करूं, एक्सेलस एम क्यों करूं, क्योंकि एक्सेलस एम को सेव करने के लिए तरीका अलग है, उसमें मुझे पाथ देने पड़ते, ए देने पड़ते हैं, टाइप फाइल टाइप देने पड़ते हैं, थोड़ा सा कोड बढ़ जाता है उसका। ठीक है, ओके, ठीक है। सब्जेक्ट, सुजीत सर, हाँ, सब्जेक्ट नेम जो डिफाइन करते हो यूनिक होगा उसका नाम? हाँ, एक मॉड्यूल्स में एक ही सब्जेक्ट नेम होगा। तो कैसे पता चलेगा जो सेम नाम डाल रही है कुछ तो और जैसे भी नाम डाले, जैसे दो नाम डालेंगे ना, अपने आप रन करते एरर दिखा देगा, रन ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट और राज दे दिया, ठीक है ना, ट्राई कर ओपन करो, जैसे मैं राज को रन करूंगा यहाँ पे एरर दे देगा, दिख रहा है ना? ठीक है, तो हमने बताया कि चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, इसी में से कोई एक लेना है। तो हमने आपको वर्कबुक के बारे में समझा दिया अच्छी तरह से, अब हम शीट्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि शीट्स पे, अब मैं अभी भी जो बताने जा रहा हूँ कोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये रन नहीं होगा, ठीक है ना। इसको रन करने के लिए इस तरह के माइक्रो में डालना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में डालना पड़ेगा। तो शीट को मान लीजिए मुझे किसी शीट पे जाना है, मतलब कि मान लीजिए मैं शीट वन पे हूँ और शीट थ्री पे जाना है, जैसे माउस से हम लोग क्लिक करके चले जाते हैं ना नॉर्मल एक्सेल में, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे है, इस पर क्लिक कर दिया। तो ये जो क्लिक करने का कोड क्या होगा, क्योंकि मुझे अगर किसी सीट से डेटा लेना है तो उस पर क्लिक तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए होता है सीट्स, और शीट्स के अंदर में सीट का कैप्शन नेम जो बाहर दिखता है कि सीट वन डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, दोनों दे सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो क्या होगा कि कहीं भी आप रहिएगा सीट वन पे जाके क्लिक कर देगा, ठीक है, जैसे फाइल ओपन होती है जैसे सीट ओपन कर देगा आपका। तो इसी मान लीजिए सीट का नेम जो भी होगा, मान लीजिए डेटा है हमारा, तो आपको यहां सीट वन के जगह पे डेटा करना पड़ेगा। तो हर सीट का दो नेम होता है, एक होता है कैप्शन नेम जो बाहर आपको यहां दिखता है, एक होता है प्रॉपर्टी नेम जो माइक्रो जब आप ओपन करते हैं, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो यहाँ जो ओपन होता है, जो ब्रैकेट में आपको यहाँ दिख रहा है वो आपका कैप्शन नेम है, और जो ब्रैकेट से पहले है ये आपका प्रॉपर्टी नेम है। तो प्रॉपर्टी नेम से आप जा सकते हैं कि सीट वन डॉट सेलेक्ट। अब प्रॉपर्टी नेम यूज क्यों करेंगे कि मान लीजिए यह डेटा के जगह पर यहाँ पर समरी हो गया, अब मुझे अपने कोड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब डेटा नहीं लेगा, क्योंकि डेटा रिनेम हो गया है समरी के नाम से। तो जहां पे आपके सीट का नाम बार बार चेंज हो रहा है तो आपको बार बार अपने मैक्रो वाले कोड में चेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में यहाँ पे सीट का प्रॉपर्टी नेम ले लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी नेम चेंज करने के लिए प्रोग्रामिंग में जाना पड़ेगा, तो यहां इसका यूज कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी नेम चेंज कब होता है, जब बार बार डिलीट होता है। मान लीजिए कि मैंने इस सीट को डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद फिर मैं वापस ऐड किया, इसका नाम समरी कर दिया, तो जब सीट बार बार डिलीट होगा, इंसर्ट होगा, बट सीट का नाम फिक्स होगा आपका, तो उस केस में आप जो है कैप्शन नेम का इस्तेमाल करें। तो ये आपका कैप्शन नेम का मेथड हो गया, ये आपका प्रॉपर्टी नेम का मेथड हो गया। कैप्शन नेम कब यूज करते हैं, जब आपका फाइल का नाम, सीट का नाम फिक्स होता है, बट सीट डिलीट डिलीट होते रहता है, लेकिन सीट का नाम समरी फिक्स रहेगा, जब भी आपकी रिपोर्ट बनेगी वो समरी के नाम से रिपोर्ट बनेगी, तो उस कोड में आप इसका यूज कर ले। या डेटा सीट डेटा फिक्स होता है, अगर हम नेक्स्ट मंथ का डेटा ऐड करेंगे तो प्रीवियस मंथ का डेटा डिलीट करेंगे और नया मंथ का डेटा डालेंगे और उसका नाम हम डेटा ही रखेंगे, तो उस केस में इस मेथड का इस्तेमाल करना है।
लेकिन आपका सीट नेम बार बार चेंज होता है, जैसे जैन का फैम मार्च ऐसे मंथली नेम चेंज होते रहते हैं, बट सीट सेम होता है तो ये आप प्रॉपर्टी नेम ले लेंगे। या दूसरा है, तीसरा नेम जो आता है उसका आता है उसका सिक्वेंस नंबर, इंडेक्स नंबर, कि सीट टू डॉट सेलेक्ट। इसका यूज कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे नहीं पता कि सीट का नाम क्या है, हमें पता है कि सीट पहले नंबर पे होगी या दूसरे नंबर पे होगी। अब सीट थ्री यहाँ पे आ गया तो सीट अभी ये कोड इसको एक्टिवेट करेगा, तो जो वन एंड टू काउंटिंग में जो पोजीशन पे होगा उसके हिसाब से ये चलेगा, इस कोड को चलेगा। और तीसरा आपको पता ही है हमारा एक्टिव सीट, जो सीट एक्टिव होगी उस पर चलेगा। तो अगर मान लीजिए सीट आपको किसी सीट को कॉपी करना है, किसी सीट को मूव करना है, डिलीट करना है, तो इन चारों में से कोई एक कोड को हम लिखेंगे सेलेक्ट के आगे। जैसे मान लीजिए मुझे डिलीट करना है तो सेलेक्ट के जगह पे डिलीट हो जाएगा, हमें हाइड करना है तो सेलेक्ट की जगह पे विजुअल डॉट इक्वल टू हिडन हो जाएगा, हमें मूव करना है तो सेलेक्ट की जगह पे मूव हो जाएगा। लेकिन इससे पहले की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमेशा सेम रहेगी जो रहती हैं। तो सीट की इसको बोलते हैं सीट कॉलिंग मेथड, कि किसी सीट को कॉल कैसे करेंगे, जब तक कॉल नहीं करेंगे मतलब उस सीट पे जाएंगे नहीं या उसको नाम को नाम लेंगे नहीं तब तक हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, तो ये सीट कॉलिंग मेथड है। तो सिद्धार्थ जी, एकता जी, वीर सिंह जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? नीरज जी? नो सर, नो सर, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धार्थ जी आपको? हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि शीट वन डॉट सेलेक्ट, जैसे आपने शीट वन डॉट सेलेक्ट माना है जिस सेकंड लाइन में, शीट वन कौन सी मानी जाएगी? ये जो अभी अभी फिलहाल कोई शीट वन नहीं है, जैसे मैंने शीट थ्री कर देता हूँ मैं। हाँ शीट थ्री, तो यहाँ देखिए शीट थ्री दिख रहा है आपको, ये रहा। हाँ तो ये वाली मानी जाएगी। हाँ ये मानी मिलेगी, ये ब्रैकेट से मतलब इसको नहीं है, ब्रैकेट वाले को मतलब ऊपर वाले कोड से है। और तो जो थर्ड वाली शीट टू जो आपने ब्रैकेट में लगा, वो सीक्वेंस नंबर से लेता है? यहाँ पे सीक्वेंस नंबर कोई जरूरी नहीं है। नहीं तो जो आपने थर्ड लाइन में लिखा, ये सीक्वेंस पे लेके जाता है, ये सीक्वेंस यहाँ इसकी सीक्वेंस नहीं मानता है, ये सीट यहाँ बाहर इस वे है, इसकी सीक्वेंस मानता है। ओके ओके सर, ठीक है, ओके सर, यस सर। और किसी को डाउट है? नो सर, कोई सर। ओके अब जैसे मान लीजिए इस कोड को रन करना है तो आप इसको एक चेक करना चाहते हो तो एक एक माइक्रो बना के चेक कर सकते हो इस तरह से कि सीट यहाँ पे मान लीजिए समरी लेना है तो एक कोड ले सकते हैं, इसको रन करके देख सकते हैं, इसको कॉपी किया इस तरह से, एक एक माइक्रो में आपको चेंज बोला, माइक्रो का नेम चेंज कर लीजिएगा, एक एक ही माइक्रो आपको माइक्रो नहीं होना चाहिए, इस तरह से एक एक कोड में रन करेंगे सर, समझे? एक साथ तीनों रन नहीं होगा, ये तीनों एक एक ही चीज़ है, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट यूजेस दिया गया है। ये समझिए ना कि आपके नट बोल्ट होते हैं तो आपका रिंच होता है, अगर आपका 14 नंबर का बोल्ट है तो 14 नंबर की रिंच लगेगा ना, तो उसी तरीके से सिचुएशन के हिसाब से हम कोड को चूज करेंगे। और सिचुएशन जब आप मैक्रो बनाने बैठेंगे तो सारी सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी, बस आपको इसको याद रखना है कि किस सिचुएशन में क्या यूज करना है, ठीक है? ये जो कोड आपने एक व्हाट्सएप किया था उस कोड को याद रखना पड़ेगा ना? हाँ सारे कोड्स वही है ना, और भी कुछ कोड्स भी लेते हैं उसमें? नहीं ये देखिए आपको ऑब्जेक्ट याद करना, ऑब्जेक्ट्स के मेथड याद, जैसे वर्कबुक के मेथड बताया कि ओपन क्लोज सेव सेवेज क्या है ये याद करना, ऐसे सीट्स भी याद करना, सीट की कॉलिंग, सीट डिलीट विलीट जो होता है मोस्टली आपको खुद ब खुद आ जाता है, बस उसका नियम याद करना होता है कि हमें एक सीट थ्री इसको कब लगाना है, इसको कब लगाना है, ये याद रखिएगा बस। बाकी डॉट सेलेक्ट के बाद जो चीज़ें हैं तो अपने आप आ जाता है, मान लीजिए डिलीट करना है तो डिलीट लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी डिलीट करना है आपको तो यहाँ पे डिलीट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक डिलीट आपको यहाँ पे दिखा देता है। सर एक कंफ्यूजन है सर, जैसे वर्कबुक में क्लोज करते हैं तो क्लोज भी डाल सकते हैं ना इसमें? क्लोज सीट क्लोज नहीं होता ना सर, फाइल क्लोज होती है ना। अच्छा तो डिलीट हो गई है, सीट डिलीट होती है, हाइड होती है, ऐसे आपको सीट सेव नहीं होती है, सेव फाइल होता है। क्या हम सीट पे डेटा नहीं, रेंज पे डेटा लिखते हैं, डेटा लिखने के लिए रेंज यूज करना पड़ेगा। ये शुरुआती जो 5-6 क्लासेज है आपको इसी चीज को समझना है कि कौन सा कोड कहाँ पे यूज होता है। पेस्ट
पेस्ट किसी रेंज पे नहीं सीट पे होती है, पेस्ट स्पेशल रेंज पे होता है। कंट्रोल है सिलेक्ट ऑल जो है वो करंट रीजन होता है, समझे। तो हम सीट से ऊपर रिलेटेड चीजें हम कल कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। सर वो मेरा सवाल था, वो मतलब क्वेश्चन है, उसको क्यों हो रहा है, क्या बोलना है सर? वो मंथ वाला फॉर्मेट में डालना है, वो नहीं हुआ मेरा। हां आपने मुझे अभी कोड जो भी भेजा है WhatsApp पे उसकी बात कर रहे हैं? हां एक मिनट दे दीजिए, देखता हूं। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, अगर आप एक फ्री हो तो। एक मिनट दे दीजिए, पहले नीरज जी के मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूं। आप बोले कि मंथ का फोल्डर नहीं बन रहा है। हां सर मंथ का पूरा नहीं आ रहा, मैंने MM और Y डाला तो नहीं क्रिएट हो रहा। अप्रैल के लिए आपको फॉर्मेट यूज करना, फॉर्मेट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मंथ के जगह पे ऊपर में जहाँ मंथ दिया हुआ आपने, तो मुझे फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो आपने मंथ का फॉर्मूला डाला है तो मंथ का फॉर्मूला क्या करता है, 4, 5, 6, 7 इस तरह से डिटेक्ट करता है। लेकिन फॉर्मेट का फॉर्मूला डालना होगा मंथ के जगह पे, फॉर्मेट डेट कॉमा ट्रिपल MMM करेंगे तो जैन फैब आएगा, 4 टाइम लगे। मैं यही चाहता सर, मैंने डाला है, देखिए मैंने आपने जो कोड लिखा है उसमें कहां आपने लिखा है MMDDY? आपने तो फाइल नेम में जो मेरी कोड है उसी को आपने कॉपी किया है। आपने तो एम यहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है आपने, एम इक्वल मंथ डेट मार्क ऊपर डेट, इसमें कहाँ से आ गया आपको MMDDY? इसको अलग से जनरेट करना पड़ेगा। तो आपने जहाँ एम इक्वल टू मंथ ब्रैकेट डेट लिखा है उसके जगह पे एम इक्वल टू फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन डेट कॉमा ट्रिपल MMDDY से लिखना होगा, ठीक है। मैंने कोड सेंड किया है, मुझे भी सेम डाउट था, मैंने सर से कल पूछा था एंड दिस वर्क्स, सो यू कैन चेक। ओके आप किसी को डाउट था? जी सर देखिए मैं ट्राई करता हूं, आपने बोल रहे हो मुझे कुछ मदद को सेट करना। हां आपने क्या लिखा हुआ है, एम इक्वल टू मंथ, मंथ का फॉर्मूला लगाया तो मंथ का रिजल्ट आएगा ना। मंथ का रिजल्ट मंथ आता है कि भाई मैं तो नंबर में मंथ दूंगा। अगर आपको टेक्स्ट में चाहिए तो इस मंथ को डिलीट करना पड़ेगा और इसमें देना पड़ेगा फॉर्मेट और फिर डेट और फिर कॉमा यहाँ पे MMM, तीन बार करेंगे तो जैन कट शॉर्ट में आएगा, फोर टाइम करेंगे तो यह आएगा, यह पहले लगाना पड़ेगा ना आपको, ठीक है सर समझ गए। बस ठीक है, वो एम की जगह मुझे ये कर दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। Okay, bye, good night. Okay, good night, sir. Good night, sir.